गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आई एम पिंगू नायक प्रेजेंट हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू गिव यू ए लिटिल बिट नॉलेज रिगार्डिंग मनी दैट इन डिफरेंट प्लेसेस इट्स कॉल्ड इन डिफरेंट नेम्स एंड आई एम गोइंग टू से यू अबाउट दैट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज यू कैन सी मनी हैज different names and money is important for us in every sort of our life, in every place and in each step of our work. So here is in school it is known as fee. Fee means jo shulk bolte hai usse hindi mein fee. In case of divorce it's known as alimony. एलिमनी मीन्स निर्वाह निधि में जो पैसा दिया जाता है उसे कहा जाता है एलिमनी। दैट मीन्स दो कपल का अगर डिवोर्स हो गया और लेडी वन जो कोई काम नहीं करते हैं और जो जेंट्स वन है वो कहीं पे जॉब करते हैं तो उनकी 50% सैलरी लेडीज़ को मिलते हैं, उसे कहा जाता है एलिमनी, जिसे कहा जाता है निर्वाह निधि। ओके, नाउ थर्ड वन इज इन कोर्ट इट्स नोन एज फाइन। फाइन मीन्स अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसे फिनंशियली पनिशमेंट मिला है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अर्थदंड और जुर्माना, उसे कहा जाता है इन कोर्ट इट इज नोन एज फाइन। टू के किडनैपर मतलब किसी ने किसी को चोरी करके ले गया है तो उसे कहा जाता है रैनसम। रैनसम को हिंदी में कहा जाता है फिरौती। नेक्स्ट वन इज इन मैरिज इट्स कॉल्ड डाउरी। हाँ, शादी में जब कोई डिमांड करते हैं उसे कहा जाता है डाउरी। डाउरी मीन्स इसको कहा जाता है हिंदी में दहेज। देन व्हेन यू ओव समवन इट्स डेब्ट। डेब्ट मीन्स कर्ज लेना। किसी से के ऊपर आप आभारी हो तो उससे आप कर्ज लेते हो, जब ज़रूरत होता है किसी दोस्त से या फ्रेंड से या नेबर से हम कर्ज लेते हैं उसे कहा जाता है डेब्ट। देन इन केस ऑफ पेइंग गवर्नमेंट इट इज नोन एज टैक्स। हम कर देते हैं जब हमारा इनकम कुछ लिमिट से, गवर्नमेंट जो फिक्स किया है उस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। देन इन केस ऑफ ए सिविल सर्वेंट व्हेन ही कंप्लीट हिज टेन्यूर ऑफ जॉब आफ्टर दैट ही और सी गॉट पेंशन। जब किसी का टेन्यूर ख़त्म हो जाता है, अपनी कार्य का अवधि ख़त्म हो जाता है तब वो पेंशन पाते हैं, उसे कहा जाता है पेंशन, और हिंदी में कहा जाए तो वृत्ति कहा जाता है उसे। देन व्हेन एन एम्प्लॉय वर्क इन ए प्लेस एंड ही गॉट सैलरी आफ्टर द वर्किंग ऑफ ए मंथ दैट इज नोन एज सैलरी, उसे कहा जाता है सैलरी, जिसको वेतन कह सकते हैं हम, जिसको हम वेतन कह सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज वेक्स। देन व्हाट इज वेक्स? वेक्स मीन्स मास्टर टू सबॉर्डिनेट, मतलब किसी मालिक के अंदर कोई काम कर रहा है और वो मालिक उनको पैसे दे रहे हैं तो उसको कहा जाता है वेक्स। वेक्स का हिंदी है मजदूरी, मतलब कोई अपनी मालिक के अंडर में काम कर रहा है और उससे वीकली या मंथली ले रहे हैं पैसे तो उसको मजदूरी कहा जाएगा। देन इन टेम्पल और चर्च इट इज नोन एज डोनेशन, जिसको हम जानते हैं दान के नाम पे। देन नेक्स्ट वन इज व्हेन यू बोरो फ्रॉम द बैंक, अगर हम बैंक से हम पैसे लेते हैं तो उसे कहा जाता है लोन। लोन मतलब ऋण कहा जाता है जिसे हम हिंदी में। एंड इन केस व्हेन ऑफर समवन आफ्टर हिज और हर गुड सर्विस टू यू दैट इज नोन एज टिप्स। टिप्स मतलब उसको बख्शिश कहा जाता है हिंदी में। हम जब किसी इंसान के काम से खुश हो जाता है तो उसे हम टिप्स देते हैं। जैसे देन इलीगली रिसिप्ट इन द नेम ऑफ सर्विस, आप अपने काम के लिए किसी से पैसे ले रहे हो सेवा के नाम पे, उसे कहा जाता है ब्राइब। ब्राइब मीन्स जिसको कहा जाता है घूस। कुछ गवर्नमेंट आप घूस लेके काम करते हैं उसी को कहा जाता है ब्राइब। ओके, होप ये नॉलेज आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ब्यूटीफुल डे। टेक केयर।